सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सुकी हरीश व्लॉग्स। तो इसको आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है। हाँ जी, ये है गोवा का क्रूज। तो सब लोगों ने बोला था कि यहाँ का एक्सपीरियंस मतलब एक बार देखने लायक है। तो मैं गोवा गई थी तो क्रूज भी गए थे और यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। एक टिकट का मतलब डिपेंड अपॉन फूड है, विदाउट फूड है। तो हम लोगों ने विथ फूड लिया था तो 1000 रुपीज़। उसके साथ टू टाइप्स ऑफ फूड मतलब स्नैक्स भी देते हैं और फूड भी देते हैं और एक सॉफ्ट ड्रिंक भी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। और किसी बच्चे सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये क्रूज की थर्ड फ्लोर है। तो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फूड का अरेंजमेंट किया है। फूड में वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है तो मैंने वेज ही लिया है। मैंने तो फूड ही नहीं खाया पहली बार क्योंकि उतना फूड मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये ऊपर का व्यू है ना, बहुत ही सुंदर व्यू है। इस व्यू देखने के लिए एक बार एक्सपीरियंस के लिए क्रूज जा सकते हैं। तो ये वाला व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे डांस प्रोग्राम भी था तो डांस प्रोग्राम भी कर सकते, बहुत ही अच्छा है। जब हम टिकट लेते हैं ना तो साथ में टोकन भी दे देते हैं, एक स्नैक्स का, एक फूड का और एक सॉफ्ट ड्रिंक जूस का। तो ये स्नैक्स का है, मैंने मुझे स्नैक्स भी इतना अच्छा नहीं लगा, एवरेज ही था। एक्चुअली मुझे इतना बाहर का खाना पहले से पसंद ही नहीं है तो मैंने तो ट्राई नहीं किया। जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बस। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक में जूस और बियर दोनों भी मिलेंगे। हम लोग तो पीते नहीं हैं, हम लोग वैसे ही एक बार देखने के लिए गए थे तो मैंने स्प्राइट वगैरह कुछ लिया था जूस। यहाँ पे कपल डांस वगैरह प्रोग्राम भी रखते हैं और फिर लेडीज़ का ग्रुप का डांस था तो फिर मेरे दीदी और सुमन जी ने जम के डांस की थी और मेरा भी मन किया डांस करने का। तो फिर कोई ब्लॉग शूट करने Oh,
रहा है क्या है, एक बार आ सकते हैं बस। और मुझे तो सबसे अच्छा नेचर लगा, बहुत ही अच्छा प्रेजेंट, बोट में घूमने का एक मज़ा अलग होता है, बस वो वाला है बस, बाकी इतना अच्छा नहीं लगा। फिर भी एक बार आए हैं गोवा तो ट्राई करना चाहिए, तो मैं